है खास हर अंदाज। मेरे क्रूर माता पिता, अब मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगी जो तुमने मेरे साथ किया। नंद यशोदा का अपहरण कर एकांगा उन्हें दंड देने का करती है प्रयोजन। दूजी ओर कान्हा अपनी बहन एकांगा का गुप्त सत्य बताते हैं राधा को। एकांगा कोई असुर नहीं है, अभी तो मेरी बहन। अपनी बहन एकांगा का सत्य जानने हेतु कान्हा करते हैं महादेव का आवाहन। हे प्रभु, आपके अवतरित होने से पूर्व भी नंद और यशोदा के भाग्य में एक और संतान थे। जब विवाह के उपरांत नंद और यशोदा इसी गोपेश्वर महादेव मंदिर में आए थे, देवताओं ने नंद यशोदा की संतान को उसके पैदा होने से पूर्व ही उनसे छीनने का कठोर निर्णय लिया। वो संतान एकांगा ही थी। अपने माता पिता से प्रतिशोध लेने हेतु एकांगा भेजती है नकारात्मक देवी औघर को वृंदावन। आज मेरे और नंद यशोदा के मार्ग में जो कोई आएगा वो जीवित नहीं बचेगा। औघर की नकारात्मक शक्तियों के सामने नंद और यशोदा के प्राणों को बचाने में असमर्थ हो जाते हैं बलराम तथा कान्हा। कान्हा, यासुरी विष है, इस विष की कोई औषधि नहीं है। राधा तथा बलराम के प्रश्नों का उत्तर दे कान्हा उन्हें बताते हैं बहन एकांगा का सत्य। एकांगा हमारी बहन है। और अपने माता पिता के प्राणों की रक्षा हेतु कान्हा देते हैं अपनी बहन एकांगा को चुनौती। अब तुम मेरे मैया बाबा को तिनका भर खरोज भी नहीं लगा पाओगी, ये तुम्हें मेरी चुनौती है। गोपी, तुम्हें गजलक्ष्मी का रूप धारण करना ही होगा यदि तुम्हें शक्ति का विनाश करना है। तो तुम्हें जितना समझाना था समझा लिया, किंतु आज तुम्हारा अंत निकट है। अंत मेरा नहीं तुम्हारे इस रूप का होगा। अपने दिव्य रूप को जानने के पश्चात राधा एकांगा की नकारात्मक शक्ति औघर का नाश करने हेतु धारण करती हैं गजलक्ष्मी का दिव्य। तुमने हमसे सत्य छुपाया, इसलिए हम जा रहे हैं सबको ये बताने कि हम देवी लक्ष्मी हैं। राधा कान्हा से रुष्ट हो जाती हैं और अपने ईश्वर स्वरूप का भेद करती हैं सबके समक्ष उजागर। हम ये कहना चाह रहे हैं अब हम राधा नहीं अपितु देवी लक्ष्मी हैं। सभी लोग आज से हमारी पूजा करेंगे। गोपी, ये तुमने क्या अनर्थ किया? अपने ईश्वरीय स्वरूप का भेद उजागर करने पश्चात राधा बनती है परिहास का पात्र। हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं। देव ने दीपावली के दिन तुम्हें लक्ष्मी माता बना दिया था, इसलिए तुम स्वयं को लक्ष्मी माता समझने लगी हो। जिससे अत्यंत दुखी हो राधा रूठकर चली जाती हैं। अरे गोपी! और मिल जाती है नकारात्मक शक्तियों को वृंदावन में प्रवेश करने की अनुमति। कान्हा की नटखट्टा से रुष्ट हो राधा ब्रजमंडल छोड़कर चली जाती हैं, जिसका लाभ उठा अलक्ष्मी, अनास्था और अशुचिता वृंदावन वासियों को भ्रमित कर उनकी आस्था और भक्ति के साथ करती हैं छल। नंदरानी, वृंदावन का सारा अनाज राख हो गया। गायों का जितना दूध मक्खन निकाला था सब काला हो गया। अब कैसे करेंगे कान्हा लक्ष्मी अवतार के बिना इनकी विपरीत शक्तियों का। एकांगा के समक्ष प्रस्तुत उसके जन्मदाता जो स्वीकार करते हैं एकांगा को अपनी पुत्री के रूप में। आज तुम्हें पुत्री के रूप में स्वीकार करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आओ पुत्री, अपने माता पिता के गले लग जाओ। तथा इस घटना से अनभिज्ञ कान्हा खोजते हैं रुष्ट हुई लक्ष्मी स्वरूपा राधा को। आत्मक शक्तियों की उमड़ी सैकड़ों भैरवी सेना का सर्वनाश करने हेतु लक्ष्मी स्वरूपा राधा धारण करती हैं धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी तथा भ्रम लक्ष्मी का रूप। और अमरता प्राप्त करने की लालसा लिए कंस स्थापित करता है एकांगा के भीतर अपने आत्म तत्व का तीसरा भाग। तुम्हारा परम शत्रु वो परम अवतार श्री कृष्ण है, जाओ मिटा दो उसे। भाई कान्हा के प्रति एकांगा को भ्रमित कर कंस करता है अपने षड्यंत्र को सफल। ईश्वर, हमारे कान्हा की रक्षा करता, वो एकांगा उसके साथ कुछ भी कर सकती। तुम्हारे कारण मेरे साथ अन्याय हुआ, तुम्हारे कारण मैं माता की गर्भ निष्कासित कर दी गई, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। अपने आत्मा तत्व को श्री कृष्ण में स्थापित करने के पश्चात कंस करता है उत्सव की घोषणा, किंतु कान्हा की शक्ति लक्ष्मी स्वरूपा राधा का रहस्य जान कंस रचता है राधा का अंत करने का षड्यंत्र। उस कान्हा का अंत करने से पहले पूर्ण लक्ष्मी का अंत करना होगा। और यमराज के मृत्यु पाश से नचिकेत के प्राणों की रक्षा कर नई व्यवस्थाओं की स्थापना करते हैं परम अवतार श्री कृष्ण। ठहर जाइए यमदेव,
प्रणाम यमदेव, आप मेरे पुत्र नचिकेत को दान में स्वीकार कीजिए। मैं ये दान स्वीकार करता हूँ। है जाइए यमदेव, ये अनुचित है। समाज की रूढ़िवादी प्रथा को चुनौती देने के लिए श्री कृष्ण करेंगे मृत्युदाता यमराज के मृत्यु उपाश से बालक नचिकेत के प्राण। नंद बाबा, ये कैसा स्वर है? हाँ बाबा, ये कैसा स्वर है? कान्हा, ये तो किसी का अर्थनाद प्रतीत हो रहा है। अर्थनाद अर्थात? कान्हा, जब मनुष्य के हृदय से अंतिम पुकार निकलती है उसे ही अर्थनाद कहते हैं। बाबा, ईश्वर में कितनी करुणा है, कितना दुख है। हाँ कान्हा, ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि वो कौन है जो इस प्रकार अपने मृत्यु को पुकार रहा है। और कान्हा, इससे बड़ा अपशगुन और क्या हो सकता है कि कोई ढोल बजाकर अपनी ही मृत्यु को आमंत्रित करे। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ नंद बाबा, ये कैसे विपता है, कहीं सच में मृत्यु आ गई तो। आप सब चिंतित ना होइए, जाइए, सब अपने अपने घर जाइए और अपने घर के द्वार बंद कर दीजिएगा। इस भयंकर संकट से बचने का अब यही एक मार्ग है। देखो, वो रहा वो बालक जो मृत्यु राग गा रहा है। हाँ दाऊ, देखिए अग्नि अपनी चरम सीमा पर है, किसी भी समय यमदेव प्रकट हो सकते हैं। नचिकेता को न्याय दिलाने हेतु श्री कृष्ण करते हैं महाक्रोधी ऋषि वाजश्रवा का प्रतिरोध। आपको ये बताने आया हूँ कि आप पिता बनने के योग्य है ही नहीं। बस बालक, इसी वक्त मैं तुम्हें शाप देता हूँ, पलक झपकते ही तुम जलकर भस्म हो जाओगे। आप विधि बोल रही है ना? मैं विधिता ही बात कर रही हूँ। आपकी दीदी का एक्सीडेंट हो गया है और उनका खून काफी बह चुका है। देखिए, आप जहाँ भी है प्लीज जल्दी से नेहरू हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी बहन की हालत बहुत खराब है। क्यों करती है ये सब? जिससे मुझे गुस्सा है और मैं गुस्से में ये सब करूं? अगर मेरी बात मानती तो ऐसा कुछ नहीं होता। हर हाल में इस अखिलेश का अंश नष्ट करके ही रहेंगे। त्वाहा, मैंने आपके साथ धोखा किया है। मैंने जो सैंपल आपको दिया था वो आपकी पत्नी अखिलेश का नहीं है। तू ये क्या बदतमीजी कर रहा है बहू के साथ? अंगूरी संग रोमांस कर रहे थे दादी माँ। मैं तेरे लिए इतनी दूर से आई हूँ, जन्नत से आई हूँ तेरे लिए, और तू मुझे अवॉइड करके बहू के साथ लगा हुआ रोमांस कर रहा है। मैं मर्दूत, तू रोमांस नहीं करेगा, मैं करूंगी रोमांस इसके साथ। ये अग्नि की मूर्ति है और ये साक्षी की मूर्ति है, और जैसे जैसे दोनों लड़कियों में से सात वचन निभाएंगी वैसे वैसे इस पे चुनरी चढ़ाई जाएगी, और आखिर में जिस पे ज्यादा चुनरी होंगी वही इस घर की बहू बनेगी और वही जीतेगी। तैयार हो इम्तिहान देने के लिए? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है दादी। जिस दिन तुम ये इम्तिहान हारोगी उस दिन आखिरी पल होगा तुम्हारे इस घर में। बहुत मजा आएगा तुम्हारी आंखों के सामने अग्नि को हराने में।